जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखें लीगल हिस्ट्री को देखें तो तीन हिस्टोरिक केसेस हमारे सामने आते हैं सबसे पहला ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार दूसरा द पटना केस और तीसरा द कौसीजुरा केस तो इस प्लेलिस्ट की सीरीज पे इन तीनों केसेस को हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे हेलो एवरीवन यू आर वॉचिंग करंट ईवा वेब

इंग्लिश रूल के वक्त जो काउंसिल थी काउंसिल इट और मेजोरिटी के बीच में इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट जिसका बेसिक फंक्शन ही था इंडियंस को जस्टिस पहुंचाना उसी एस्पेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट को फेलियर कहा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बेसिक फंक्शन था क्या कि वो अपने ही कंपनी सर्वेंट के ऑपरेशन से इंडियंस को बचाएं टू रिजॉल्व द ऑपरेशन ऑफ नेटिव्स लेकिन कोर्ट इसी ड्यूटी को परफॉर्म करने में नाकाम रहा क्यों नाकाम रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस थे जो लैंग्वेज था जो लॉ था जो प्रोसीजर था वो फॉरेन था इंडियन से क्योंकि इंडियंस की कस्टम और ट्रेडिशन ही अलग थे तो इंडियंस के पास वो लॉ अडॉप्ट करने में तकलीफें आ रही थी नाउ कमिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ केस उस वक्त वॉरिन हेस्टिंग्स की काउंसिल थी इस काउंसिल में चार मेंबर्स थे फ्रेंसिस क्लेवरिंग मॉन्सोन और बेरविल जिसमें से सिर्फ बेविल थे वो ही सपोर्ट करते थे हेस्टिंग्स का बाकी तीन अलग मेंबर्स जो थे थे वो हेस्टिंग्स के अगेंस्ट अब इस काउंसिल में जो तीन मेंबर्स जो अगेंस्ट थे हेस्टिंग्स के फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉनसून उन्होंने एक प्लान बनाया एक सेटअप जमाया राजा नंद कुमार के साथ ताकि वो कुछ करप्शन के चार्जेस ला सके अगेंस्ट हेस्टिंग्स काउंसिल के सामने अब राजा नंद कुमार को देखें तो एक हिंदू ब्राह्मण थे ये और एक बहुत बड़े जमींदार थे बंगाल से राजा नंद कुमार इतने लॉयल थे इंग्लिश कंपनी को कि कंपनी ने एक उन्हें अलग टाइटल दी थी ब्लैक कर्नल। तो मार्च 1775 में राजा नंद कुमार ने एक लेटर दिया फ्रांसिस को जो डेटेड था 1772 का जिसमें हेस्टिंग्स ने एक लाख रुपए से ज्यादा पैसे लिए थे राजा नंद कुमार से ताकि वो उनके बेटे गुरुदास को अपॉइंट कर सके एज दीवान इसमें लाया गया ब्राइबरी के चार्जेस अगेंस्ट हेस्टिंग्स तो हेस्टिंग्स के खिलाफ जो लेटर लाया गया था उस पर एक और आरोप उनपे लगा था उस लेटर पे ये भी लिखा था कि हेस्टिंग्स ने ढाई लाख रुपए मुन्नी बेगम से लिया है क्यों लिया है ताकि वो मुन्नी बेगम को गार्जियन अपॉइंट कर सके ऑफ माइनर नवाब मुबारक अब फ्रांसिस ने इस लेटर को काउंसिल के सामने रखा और मानसून जो एक और काउंसिल मेंबर जो अगेंस्ट थे हेस्टिंग्स के उन्होंने ये मोशन लाया कि नंद कुमार को काउंसिल के सामने लाया जाए अब गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने इस मोशन को अपोज किया और ये कहा कि अपने ही खिलाफ एक्वेशन सुनने के लिए वो इस मीटिंग पे नहीं बैठेंगे और इसी वजह से काउंसिल भी हकदार नहीं है कि वो इनके खिलाफ अक्यूजेशन सुने और फैसला करें हेस्टिंग्स के एक सपोर्टर मिस्टर बेरवेल उन्होंने ये कहा कि नंद कुमार को कंप्लेंट फाइल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कंपीटेंट है इस केस को सुनने के लिए और ना कि काउंसिल मगर मॉनसून के मोशन के पास मेजॉरिटी थी इसी वजह से हेस्टिंग्स ने इस मीटिंग को डिसॉल्व वहीं पे कर दिया नाउ काउंसिल की मेजॉरिटी ने इस एक्शन को ऑब्जेक्ट किया था इसी वजह से इस पर्पस के लिए जो मीटिंग बैठाई जाएगी उसमें क्लेवरिंग को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट अब नंद कुमार को काउंसिल के सामने लाया गया टू प्रूव हिज चार्जेस हेस्टिंग्स के खिलाफ काउंसिल की मेजोरिटी ने डिक्लेयर किया कि जो चार्जेस थे वो हेस्टिंग्स के खिलाफ प्रूव हो चुके थे और इसी वजह से काउंसिल ने हेस्टिंग्स को डायरेक्ट किया कि वो तीन लाख रुपए का कंपनी ट्रेजरी में डिपॉजिट बनाएं इस फैसले के बाद भी हेस्टिंग्स ये मानकर चल रहे थे कि काउंसिल के पास कोई अथॉरिटी थी ही नहीं कि वो इस केस को सुने और उनके खिलाफ चार्जेस को सुने अब इसी वजह से हेस्टिंग्स एक बिटर एनिमी बन चुके थे नंद कुमार के और वो एक मौके की तलाश में थे कि कैसे वो नंद कुमार से इसका बदला ले सकें नाउ कमिंग टू द केस के फौरन बाद ही नंद कुमार को फॉक्स और राधा चरण के साथ अरेस्ट कर लिया गया फॉर कॉन्स्पिरसी एट द इंस्टेंस ऑफ हेस्टिंग्स इसके साथ ही टू एड ऑन द फर्दर डिस्ग्रेस हेस्टिंग्स ने एक और केस क्रिएट किया फॉर्जरी का अगेंस्ट राजा नंद कुमार खास बात यह आ जाती है कि इंग्लिश एक्ट 1729 के मुताबिक फॉर्जरी की पनिशमेंट डेड डिक्लेयर की गई थी ये फॉर्जरी के चार्जेस रिलेटेड थे एक बॉन्ड जो कि क्लेम किया गया था एज एन एक्नोलेंट ऑफ डेट फ्रॉम बिलाकी दास एक बैंकर जो थे मोहन प्रसाद ने ये फॉर्जरी के चार्जेस प्रोड्यूस किए बिफोर ऑनरेबल जस्टिस और इसका एक एम बताया फॉर द पीस ऑफ द टाउन ऑफ कैलकटा इस केस को दोनों मजिस्ट्रेट्स ने लेट लाइट तक सुना और समझा और उसके बाद इन द कैपेसिटी ऑफ जस्टिसज ऑफ़ द पीस वो लोग कंटेंटेड थे विद द एविडेंस और जो विटनेसेस लाए गए थे इसी वजह से उन्होंने शेरिफ को ऑर्डर दिया कि वो राजा नंद कुमार को एक सेफ कस्टडी में रखे अंटिल हिज रिलीज एज पर द नेसेसरी डिक्टम्स ऑफ लॉ अब मोहन प्रसाद ने एक बॉन्ड क्रिएट किया जिसकी डेट थी सेवेंथ में 1775, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नंद कुमार को उसके अकाउंटेबल बना सके राजा नंद कुमार का ट्रायल एग्जीक्यूट किया गया बिफोर द चीफ जस्टिस और तीन अलग अलग जजेस सुप्रीम कोर्ट के ऑन एथ में 1775 सुप्रीम कोर्ट ने राजा नंद कुमार को ट्रायल में रखा इन फ्रंट ऑफ अ जिसमें ट्वेल्व इंग्लिश मैन थे और जिसके प्रेसिडेंट थे सर एलाइजा एमपी जो कि वॉर हेस्टिंग्स के एक फ्रेंड भी थे नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो लाया 1775 में उसमें फॉक्स को पनिशमेंट के तौर पे फाइन किया गया पर राजा नंद कुमार के लिए जो डिसीजन था उसे रिजर्व रखा गया क्यों क्योंकि और भी उनके पास पेंडिंग फ्रॉड केसेस थे जिसे सुना जाएगा उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा नाउ सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल शुरू हुआ फॉर राजा नंद कुमार सेवन जून 1775 को और कंटिन्यू चलता रहा एट डेज के लिए विदाउट एनी अजर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें पनिश किया विद डेथ अंडर एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉल्ड दी एक्ट पास इस फैसले के बाद काफी सीरियस एफर्ट्स लगाए गए टू सेव द लाइफ ऑफ राजा नंद कुमार और इसी वजह से एक अपील भी लाई गई टू तो किंग इन काउंसिल लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को भी रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटेंस आया था डेथ सेंटेंस उसे बाजार नियर फोर्ट विलियम कमिंग टू क्रिटिकल एप्रीसिएशन ऑफ द केस राजा नंद कुमार का ट्रायल ने काफी क्वेश्चंस उठाए ऑन लीगैलिटी एंड वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस एमपी का जो डिसीजन था वो अनफेयर था राजा नंद कुमार के खिलाफ और सिर्फ एक एक्ट था एक फेवर था टू हिज फ्रेंड गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स फॉर्जरी का जो ऑफेंस था जिसके लिए नंद कुमार को ट्राई किया गया था वो सेवनटीन का डेटेड था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट ही सेवनटीन का था दिसमेन की राजा नंद कुमार की जो ट्रायल थी वॉज अंडर इन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अब इस मसले पे तीसरी बात ये आ जाती है कि राजा नंद कुमार तो कैलकाता के रेसिडेंट थे ही नहीं इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उन पे अनसर्टेन था बिकॉज इट वॉज इनिशिएटेड ऑन द कंप्लेंट ऑफ मोहन प्रसाद हु वॉज ऑल्सो एन इंडियन नेटिव इस मसले पे फोर्थ पॉइंट ये आ जाता है कि राजा नंद कुमार के केस में जितने भी विटनेसेस थे उन्हें काफी सीवियर क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ा था बाई ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्क्वेंटली पूरा डिफेंस ही कोलेप्स हो चुका था क्योंकि विटनेसेस अनफेमिलियर थे जितनी भी अथॉरिटीज थी उन्होंने राजा नंद कुमार के ट्रायल को क्लियरली मिसकैरेज बतायास्टिस एंड इफ नॉट इट वॉज अ ज्यूडिशियल मर्डर सो दैट द एंड ऑफ आर वीडियो इफ यू लाइक दीडियो हिट दैट थम्स अप सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेसन टू स्टे अपडेटेड फॉर मोर ऑफ सच विडियोज